मराठों के उदय के 24वें भाग में आने पर भी हमने नेताजी पालकर के बारे में विस्तृतवार चर्चा नहीं की है। हालांकि हमने कई और वीर मराठों के बारे में भी तफसील से बात नहीं की है, जैसे बाजी पासलकर, येसाजी कंक, तानाजी मालुसरे, बहिरजी नाइक इत्यादि। फिर आज खास नेताजी पालकर की बात करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? इसका कारण यह है कि हमने पिछले वीडियो में यानी मराठों के उदय के 23वें भाग में शिवाजी महाराज और मिर्ज़ा राजे जयसिंह के बीच हुए पुरंदर के तह की बात की थी, जिसके बाद शिवाजी महाराज मुगलों से जा मिलते हैं और राजा जयसिंह के साथ बीजापुर की मुहिम पर चले जाते हैं। लेकिन वहां विफल होने के बाद शिवाजी महाराज और नेताजी पालकर लौटकर पन्हाड़ा किले को जीतने की कोशिश करते हैं और यहीं पर उनका मतभेद होकर एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। शिवाजी महाराज के साथ उनके हर मुहिम में साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर नेताजी ने अपने पराक्रम से अपना नाम काफ़ी ऊंचा किया था, यहाँ तक कि उन्हें दूसरा शिवाजी या प्रति शिवाजी यानी शिवाजी की नकल भी कहा जाता था। फिर ऐसे व्यक्ति विशेष की बात करना तो लाजमी है। नेताजी पालकर का असली नाम नेतोजी था, जो कई पत्र व्यवहारों से साबित तो होता है, किंतु वे नेतोजी से नेताजी कब बने इसका कोई सबूत नहीं। आपको याद हो तो नेताजी का जिक्र मैंने अफजल खान के वध के समय किया था। अफजल खान का वध तो शिवाजी महाराज ने किया, लेकिन खान की प्रचंड सेना को नेताजी पालकर ने ही हराया और भगाया था। पुरंदर के तह के बाद शिवाजी महाराज, नेताजी पालकर, मिर्ज़ा राजे जयसिंह और दिलेर खान आदिलशाही पर कूच करते हैं, लेकिन आदिलशाही के सेनापति सरजा खान से ये चारों हार जाते हैं। इस हार का ठिकरा मुगल सेना और दिलेर खान शिवाजी महाराज पर ही फोड़ते हैं। इसलिए जयसिंह ने शिवाजी महाराज और नेताजी पालकर को पन्हाड़ा किले को जीतने के लिए भेज दिया, ताकि दिलेर खान और मुगल सेना का मुंह बंद हो सके। महाराज ने आधी रात को ही किले पर धावा बोला। उन्हें लगा कि किले का किलेदार गाफिल रहेगा, लेकिन वो सतर्क था। इस बीच नेताजी तय योजना के अनुसार महाराज को मदद देने में चूक गए, जिसकी वजह से इस युद्ध में शिवाजी महाराज की हार हुई। शिवाजी महाराज को इस बात का बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उनके लगभग 1000 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद नेताजी पालकर को बुलाकर उनसे जवाब मांगा गया, लेकिन उससे असंतुष्ट होकर शिवाजी महाराज ने नेताजी को सरनौबत के पद से बर्खास्त किया। नेताजी ने भी ताव ताव में शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ होने का दोषी बता दिया। इसके बाद नेताजी आदिलशाही में जा मिले। इधर मिर्ज़ा राजे जयसिंह को नेताजी के आदिलशाही में जा मिलने से चिंता होने लगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं शिवाजी भी आदिलशाही से मिल गया
तो मुगलों को और अधिक दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए उसने फुसलाकर शिवाजी महाराज को मुगल बादशाह से मिलने के लिए आगरा भेज दिया। शिवाजी के आगरा जाते ही जयसिंह ने नेताजी को अपनी कूटनीति से आदिलशाही से निकालकर मुगल सेना में शामिल कर लिया। लेकिन जब शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से आगरा से बच निकले तो औरंगजेब को लगा कि इसमें ज़रूर नेताजी पालकर भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए तब नेताजी को बंदी बनाया गया। मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने 15 जून 1666 को नेताजी और उनके चाचा कोंडाजी को बंदी बनाया। उन्हें कैद कर आगरा ले जाया गया और वहाँ उन पर लगभग साल भर क्रूरतापूर्वक अत्याचार किया गया और आखिरकार 27 मार्च 1667 को औरंगजेब नेताजी पालकर को जबरन मुसलमान बनाने में विजयी हो गया। मुसलमान बनते ही नेताजी अब मोहम्मद कुली खान हो गए थे। जबरन मुसलमान बनाए जाने के बावजूद नेताजी ने कई बार पलायन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो धर लिए जाते। काबुल कंधार की मुहिम पर भेजे जाने के समय भी नेताजी ने लाहौर के पास आते ही भागने का यत्न जरूर किया, लेकिन वे नाकामयाब हुए। इस तरह कुल 9 सालों तक मुगल सेना में काम करने और भागने में अयशस्वी रहने के बाद किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया। आगरा से छूटने के बाद शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक किले जीतने शुरू किए थे। ऐसे में उनका बंदोबस्त करना बेहद ज़रूरी था। सन 1676 में औरंगजेब ने दिलेर खान के साथ नेताजी पालकर को भी दक्षिण मुहिम पर भेजा और उनके साथ प्रचंड मात्रा में सैनिक भी दिए गए। इसी वक्त एक छावनी से नेताजी पालकर चुपके से भागने में कामयाब हो गए और शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज से मिलकर सारी हकीकत सुनाई। संभाजी महाराज उन्हें रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज से मिलने ले गए। शिवाजी महाराज ने अपने पुराने मित्र को इतने सालों के बाद देखते ही गले लगा लिया और फिर 19 जून 1676 को पूरी विधि विधान के साथ उन्हें वापस हिंदू बनाया गया और उसके बाद नेताजी ने कभी भी हिंदवी स्वराज्य का साथ नहीं छोड़ा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।